अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग एक और सेल और देखेंगे विच इज़ लाइजोजोम लाइजोजोम भी एक इंपॉर्टेंट सेल और होती है इसकी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे फंक्शंस देखेंगे वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको पता चल पाए कि लाइजोजोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं ठीक है अभी जो लाइजोजोम है ये बहुत इंटरेस्टिंग सेल और है क्योंकि ये सुसाइड कर लेता है किस तरह से अभी देखेंगे ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है लाइजोजोम सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते ये स्फेरिकल होते हैं कुछ इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब ये जो लाइजोजोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं क्या होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ये क्या होते हैं लाइसोजोम्स ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इनके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है इसके साइड में एक मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड कुछ इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होते हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ठीक है ठीके? अब लाइजोजोम्स के अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन्हें कौन बनाता है इन्हें बनाते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम रफ इंडोप्लाजमिक रेडिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं और वो जो राइबोसोम्स होती हैं वही ये इन एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करती हैं और फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से ही लाइजोजोम्स के अंदर ये एंजाइम्स आते हैं ठीक है और गोल्जी ऑपरेटस गोलजी ऑपरेटस क्या करता है इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंसनट्रेट करता है गोल्जी आपरेटस का वीडियोज भी जल्दी से आ जाएगा ठीक है तो ये जो तो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये रफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होती हैं और कंसनट्रेट होते हैं गोल्जी अप्रेटस में ठीक है अब यहाँ से वो सिंथेसिस हो गए यहाँ पे वो कंसनट्रेट हो गए मॉडिफाई हो गए और लाइजोम्स में आके ये पैक हो जाते हैं ठीक है लाइजिजोम स्फेरिकल होते हैं मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि रफ इंडोप्लाजमिक रेडिकुलम में बनती हैं गोल्ची अप्रेटर्स में कंसनट्रेट होती हैं लाइजिजोम्स में आके पैक हो जाती है क्लियर हो गया लाइजोम का ये फिगर है सिंपल सा देख लें आप ये टू डी इसका डायग्राम है ये इसका थ्री डी डाइग्राम है ठीक है इसके अराउंड ये मैमब्रेन होती है इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं ठीक है एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसको अगर हम इस तरह से कट कर दें तो ये इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन होंगी ठीक है ये दोनों एक ही हैं इसे बस यहाँ से कट कर दिया गया है क्लियर हो गया अभी जो लाइजोम्स हैं क्यों ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं लाइजोम जो हैं वो डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल को फॉरेन मटेरियल मतलब सेल के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल एंटर कर जाना जो सेल की जान पहचान का नहीं है जो सेल के लिए यूज़फुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है डेंजरस भी हो सकता है सेल के लिए कोई भी मटेरियल जो बाहर से सेल के अंदर आ जाता है जो सेल की ज़रूरत का नहीं है वो लाइजोम उसे डाइजेस्ट कर लेती हैं और वो हो सकता है बैक्टीरिया वायरस ठीक है कोई भी इस तरह के फॉरन मटेरियल हो सकते हैं जो कि लाइजोम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं ठीक है लाइजोम्स फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं वेस्ट को और सेल को क्लीन बना कर रखते हैं ठीक है ये एक तरह से वॉशिंग मशीन होते हैं सेल के ठीक है लाइजोम सेल को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन बना कर रखते हैं और यहाँ पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के को ब्रेक डाउन करते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इनके ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करते हैं इनके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट अब कभी कभी क्या होता है सेल के अंदर फूड कम पड़ जाता है सेल के अंदर जितना भी फूड था वो यूज़ हो गया अब सेल को और फ़ूड चाहिए तो उसे एनर्जी कहाँ से मिले तो इस टाइम पे क्या होता है लाइजोजोम्स जो हैं उन्हें तो एनर्जी उन्हें तो डाइजेशन करना है लाइजोजोम्स को तो डाइजेशन करना है क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए तो इस टाइम पर लाइजोजोम्स क्या करते हैं सेल ऑर्गैनिक को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं ठीक है थीके? जब सेल के अंदर इस्टारवेशन की कंडीशन आ जाती है मीन्स खाना कम पड़ जाता है भूख मरी की कंडीशन आ जाती है सेल के अंदर तो ये जो सेल्स Uh, तो ये जो लाइजोम्स हैं ये क्या करते हैं सेल ऑर्गेनिक को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं जब सेल के अंदर फूड कम पड़ जाता है तो लाइजोम सेल ऑर्गेनिक को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं और उस कंडीशन को ऑटोफेजी कहा जाता है इस टर्म को आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन वर्ड में आ जाता है ठीक है और ये एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जब सेल के जब सेल के अंदर जब सेल के अंदर फूड नहीं होता तो लाइजोजोम्स सेल ऑर्गेनिक को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं उन्हें खा जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी क्लियर हो गया ऑटोफेजी और कभी कभी क्या होता है सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है या फिर सेल जो है सेल इज डेस्टिनाइड टू डाई या फिर सेल मरने वाला होता है या फिर उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है तो इस टाइम पे लाइजोजोम्स क्या करते हैं पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे पूरे सेल को ही खा जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस ठीक है अगर वो सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोफेजी और अगर सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोलाइसिस क्लियर हो गया एंजाइम्स रिलीज कभी कभी क्या होता है लाइसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं सेल में लाइजोम्स फट जाते हैं सेल के अंदर तो उस टाइम पे जब उनकी मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है वो उसके अंदर जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं अब लाइजोम्स की जो एंजाइम्स हैं वो सेल में यहाँ वहाँ फैल गई अब वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो वो क्या करेंगी डाइजेशन का काम अपना परफॉर्म करेंगी तो उस टाइम पे क्या होता है लाइजोजोम्स को भी कुछ एंजाइम्स जो होती हैं वो डाइजेस्ट कर जाती हैं अब लाइजोम की खुद की एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर दे रही हैं कमाल की बात है ये बहुत फैक्ट हो गया तो इसी लाइजोजोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है क्योंकि उसकी खुद की एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर जा रही हैं हैंस लाइजोजोम्स आर रेफर्ड टू ए सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल एंजाइम्स रिलीज हो जा रही हैं सेल के अंदर और ऑटो डाइजेशन हो जा रहा है लाइजोजोम्स का एंड हैंस लाइजोजोम्स आर रेफर्ड टू ए सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब हम ठीक है अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे लाइजोजोम्स के लाइजोजोम्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरिया वायरसेस बाय डाइजेस्टिंग यस बैक्टीरिया वायरसेस फॉरेन मटेरियल्स होते हैं तो लाइजोजोम्स जो हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लियर हो गया डाइजेशन यस लाइजोजोम्स जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं लाइजोजोम्स फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं लाइजोजोम सेल ऑर्गेनिक को भी डाइजेस्ट करते हैं और जब वो सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी और जब वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑटोलाइसिस और कभी कभी लाइजोम लाइजोजोम को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं मीन्स लाइजोजोम की एंजाइम्स जो हैं वो उसको ही डाइजेस्ट कर जा रही हैं तो इसीलिए उसे हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं क्लियर हो गया अब हम इस पूरे लेक्चर को एक बार रिकॉल करेंगे ठीक है लाइजोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल सैलऑर्गैनल होते हैं सिर्फ एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेरिकल होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर ई आर के राइबोसोम्स में बनती हैं ठीक है ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ जाती हैं फिर कंसनट्रेट या फिर मॉडिफाई होती हैं गोल जी में ठीक है अभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये कहाँ बनती हैं रफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में कंसन्ट्रेट या फिर मॉडिफ़ाई होती हैं गोल जी में पैक होती हैं लाइजोम्स में ये इसका टू डी स्ट्रक्चर है और ये इसका थ्री डी स्ट्रक्चर है अब ये है। digestive enzymes जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं लाइजोम्स फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है लाइक बैक्टीरिया वायरस एट्सट्रा फूड को वेस्ट को और सेल को क्लीन रखता है ठीक है सेल के अंदर जब स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाती है तो वो सेल ऑर्गेनिक को डाइजेस्ट कर जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो या फिर सेल इज टू डाई भरने वाला होता है तो वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं होल सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं एंड दैट इज़ ऑटो ठीक है एंजाइम्स है? जो हैं वो कभी कभी रिलीज हो जाती हैं क्योंकि लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं और सेल के अंदर हो जाता है ऑटो डाइजेशन एंड हैंस लाइसोसोम्स आर रेफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्लियर हो गया नेक्स्ट फंक्शंस प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरिया वायरसेस बाय डाइजेस्टिंग दैम डाइजेशन करते हैं लाइजोम्स फूड का फॉरन पार्टिकल्स का सेल का दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइस सेल ऑर्गेनल्स का दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी एंड लाइजोजोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकोन्ट्रिया और जो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ठीक है अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इसे मोटिवेशन बहुत मिलता है और जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ठीक है थैंक यू